द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक शख्स बुर्का पहने हुए था, जो इस वक्त लोग उनसे खुलवा रहे हैं, और वह चेहरा छुपाए हुए एक बस में सफर कर रहा था और खुद को महिला बताने की कोशिश कर रहा था। आखिर किस लिए? उसने तो कहा है कि भीख मांगने के लिए वो बस में घुसा था, लेकिन इससे पूरा मुसलमान समाज हर दफे बदनाम हो जाता है कि वो फ्री बस सेवा का आनंद लेने के लिए बस में चढ़ा हुआ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, वो कर्नाटक की घटना है। कर्नाटक में दरअसल कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा दी है, और इसी का फायदा उठाने के लिए यह शख्स उस बस में चढ़ा, बुर्का पहनकर चढ़ा। उसे लगा कि बुर्का पहने हुए है तो कोई उसे पकड़ेगा ही नहीं, लेकिन लोगों को शक हो गया और वो पकड़ा गया। फिर वो तरह तरह की बातें भी बनाने लगा। आज तक ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा देखिए ट्वीट में आज तक ने क्या लिखा है। कर्नाटक के हुबली में एक शख्स ने मुफ्त सरकारी बस सेवा पाने के लिए पहना बुर्का, वीडियो हो गया वायरल। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस शख्स ने पैसा बचाने के लिए मुफ्त की सेवा के लिए बुर्का पहनकर बस का सफर शुरू कर दिया। बात यह है कि मुसलमानों को बार बार टारगेट करने वाले इसे भी मुद्दा बना देते हैं। इसे कहते हैं कि देखिए कि मुसलमान कैसे जो है पैसा बचाने के लिए बुर्का का प्रयोग कर रहा है। लेकिन आपको हैरानी होगी, उस बुर्का में जो शख्स था उसका नाम वीरभद्र है, वो हिंदू है और इसका फायदा उठा रहा है। और ऐसी हम लगातार अब थ्रेड में खबरें बताने वाले हैं कि हर कोई बुर्का को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है, उसे पहनकर समाज में गलत काम कर रहा है, पकड़ा जा रहा है तो फिर उसकी पोल खुलती है और वो सब के सब हिंदू निकलते हैं। ये हम पूरी खबर आपको बताएंगे। दरअसल हमारे देश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का मामला नया नहीं है, क्योंकि ऐसे बुर्का में लोग पकड़े तो जाते हैं। एक दफे के लिए लोग यही मान लेते हैं ये तो मुसलमान है, और बुर्का पहने जो शख्स अंदर में है वो भी मुसलमान होगा, और जानबूझकर ये पैसा बचाने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा है तो छेड़छाड़ लेदर करने की कोशिश होती है। जबकि मुसलमानों की आस्था, उनके परंपरा, उनके परिधान को लेकर भी निशाना साधा जाता है, और ऐसे में बुर्का को टारगेट इस वजह से भी किया जाता है कि जैसे कर्नाटक में हिजाब को बैन करा दिया गया कि स्कूल कॉलेज में आप पहन नहीं सकते, तो ठीक उसी तरीके से बुर्का को भी टारगेट करने की कोशिश हो रही है कि ऐसे ऐसे घटनाएं लगातार होती रहे तो बाद में अदालत का सहारा लेकर इन्हें भी रोक लगा दी जाए। तो ऐसी कोशिश खूब होती है। वैसे भी कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन मुसलमानों से इस कदर चिढ़ते हैं कि उनके मस्जिदों को अब मंदिर बताने के लिए भी कोर्ट पहुंचते हैं। मदरसे तो खूब गिराए जा रहे हैं, दरगाह गिराए जा रहे हैं, तो कई ऐसी घटनाएं खूब हो रही है। खुले तौर पर आर्थिक बहिष्कार का ऐलान भी किया जाता है मुसलमानों का। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं नफरत के भाव तो बढ़ गए हिंदुओं के भीतर, और ऐसे कट्टरपंथी संगठन बजरंग दल वाले जो गौ तस्करी का आरोप लगाकर मुसलमानों की हत्या कर देते हैं, उन लोगों का क्या कहना? ये सब सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश ही तो है। इस वजह से इस मामले में खबर थोड़ा हम और बता देते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि यह शख्स क्या कर रहा था और इसकी मंशा क्या थी। वहीं इस संबंध में और भी हम कुछ खबरें हेडलाइंस आपको दिखाएंगे कि हर बार बुर्का पहने गलत काम में लिप्त कोई पकड़ा जाता है तो वो मुसलमान नहीं होता है, लेकिन बदनामी मुसलमानों की हो जाती है, पूरे समुदाय की हो जाती है। खैर, जरा देखिए यह जो खबर आई है, एबीपी न्यूज ने यह खबर दी है कि वहां हुआ क्या था। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन में ही एबीपी लाइव ने लिखा है, कर्नाटक में फ्री बस टिकट के लिए हिंदू शख्स ने पहना बुर्का, ऐसे फेल हो गई ट्रिक। वो ट्रिक लगाया था कि चलिए बुर्का पहनकर घुस जाएंगे तो लोग महिला समझेंगे, टिकट नहीं मांगेंगे, लेकिन यहां उसकी चोरी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि दरअसल यह पूरा मामला कर्नाटक के धारवाड़ जिले का है, जहां एक हिंदू शख्स बस स्टॉप पर बुर्का पहने हुए दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक शख्स का नाम वीरभद्रैया मठपति है। लोगों को संदेह हुआ तो वो उसके पास जाकर पूछताछ करने लगे। शख्स अपना बचाव करने लगा और दावा करते हुए कहा कि मैंने यह बुर्का इसलिए पहना है ताकि मैं भीख मांग सकूं। हालांकि उसका जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका। इतना ही नहीं, शख्स के पास से एक महिला के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मिली,
और वह पकड़ा गया तो फिर सामने सफाई तो देगा ही, लेकिन इसने गलत किया। अगर आपको फ्री बस सेवा करना है तो इसके लिए आपको यह रास्ता चुनना उचित नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का यह परिधान महिलाओं के लिए है, महिलाओं की इज्जत प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। अगर आप इसे पहनकर बदनाम करना चाहते हैं तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कर्नाटक सरकार की योजना है, कर्नाटक में फ्री बस सेवा महिलाओं को मिलती है यह सुविधा, लेकिन इसका कोई नाजायज फायदा ना उठाएं। चलिए अब आते हैं इसी से जुड़े कुछ और खबरों पर, जो यह बताएंगे आपको कि कितना बड़ा यह खेल है कि बुर्का के यार में लोग गलत काम करते रहे और बदनाम मुसलमान समुदाय होता रहे। पत्रिका की एक खबर अपने स्क्रीन पर देखिए, हेडलाइन है कि एएमयू कैंपस में हिंदू लड़की के बुर्का पहनने पर भड़के छात्र, लड़की ने बताई वजह। लड़की ने क्या वजह बताई कि उसे खुजली होती है, इस वजह से बुर्का पहन लिया। देखिए अलीगढ़ न्यूज, एएमयू कैंपस में एक हिंदू लड़की के बुर्का पहनने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र भड़क गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। वीडियो में हिंदू लड़की बता रही है कि शरीर में इचिंग की वजह से उसने बुर्का पहना। हालांकि पत्रिका यूपी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वो जो फुटेज में आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसके साथ एक लड़का भी है, ये लोग कैंपस में घूमते पाए गए थे। आखिर आपको इचिंग हो रही है तो आप पूरे बॉडी को कवर करके चल सकते हैं, इसके लिए आप बुर्का के सहारे कुछ ऐसी गतिविधि ना करें जिससे मुसलमान बदनाम हो। खैर अब आइए अगले मुद्दे पर, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मंदिर का पुजारी भी बुर्का पहन रहा है और जब वो पकड़ा जाता है तो फिर बीमारी का बहाना करने लगता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, केरल का मामला है, अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की थी। केरल में बुर्का पहनकर घूमते पकड़ा गया मंदिर का पुजारी, पुलिस की पूछताछ में दिया हैरान करने वाला जवाब। और वो जो हैरान करने वाला जवाब था कि उसे पॉक्स हो गया है, इस वजह से वो बुर्का पहने हुए था। तो अजीबोगरीब तर्क देकर आप बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए, एबीपी न्यूज की भी एक खबर हमारे पास है, इसमें हेडलाइन में क्या है, गाजीपुर न्यूज, बुर्का पहनकर तीन महिलाएं करती थी गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर चोरी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा। मतलब यह है कि ये बुर्का पहनी महिलाएं चोरी करती थी, और ये सब के सब आपको बता दें यहां कि वो हिंदू महिलाएं थी, कोई भी इसमें मुसलमान नहीं थी। पुलिस ने इन सब को अरेस्ट भी किया था। तो इस चोरी चकारी का काम भी कर रहे हैं, बुर्का पहनकर बुर्का को बदनाम कर रहे हैं, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। ये मुसलमान समाज के आस्था और परंपरा से जुड़ी हुई चीजें, अगर इसके साथ बदसलूकी करेंगे, अन्याय करेंगे, तो इसका विरोध तो होगा ही। ठीक, ऐसी खबरों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके की घटनाएं होती हैं। एक बार यह भी देखा गया कि कुछ लोग जो हैं बुर्का पहनकर डांस कर रहे थे, यह तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें जो भी बुर्का पहने हुए हैं इसमें से कोई महिलाएं नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। ये तमाम लोग जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए बुर्का पहनकर डांस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुओं का पर्व त्योहार है, उसमें बुर्का पहनकर ये अपने फैमिली के साथ में, चाहे इनका जो ग्रुप है उसके साथ नाच रहे हैं। आखिर ये क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है, आप हर बार मुसलमानों का उपहास कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे खबरों की कोई कमी नहीं है जिसमें इस तरीके के करतूत को अंजाम दिया जाता है, यह बर्दाश्त से बाहर की चीज है, ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। समाज इस चीज को देख रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मसला उठता है कि हर बार आप मुसलमानों को बदनाम क्यों करते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित क्यों करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब यह मामला सामने आया कि एक बार फिर कोई बस में महिला बनने के लिए एक पुरुष बुर्का पहन लेता है और फिर फ्री बस सेवक का लुत्फ उठाना चाहता है, उसकी कोशिश पकड़ी जाती है, तो इससे वो तो बदनाम हुआ, उसकी चोरी तो पकड़ी गई, लेकिन मुसलमान समाज तो बदनाम हुआ, मुस्लिम महिलाएं तो बदनाम हुई कि कैसे इस तरीके से बुर्का पहनकर कोई घुसता है। पहली दफा लोग वही सोचते हैं कि देखिए ये मुसलमान होगा और ऐसी घटनाएं कर रहा है, तो इस तरीके की चीजों पर रोक लगने की सख्त जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।